यहाँ पे हाइड्रा के प्लेयर्स के ऊपर भी कनेक्शन हो जा रहा है। जॉनसन वो यहाँ पे स्पॉट करेंगे, प्लेयर को टेक डाउन करेंगे। कोई रोक लो इस खिलाड़ी को, क्योंकि ये प्लेयर नहीं रुकने वाला। एक और स्प्रे जाएगी, लेकिन जॉनसन एक फायर उनके तरफ भी आएगा। जॉनसन को भी एक इंस्टेंट ट्रेड में टेक डाउन किया जाएगा। रिवाइवल देने का पूरा मौका है टीम के पास। एनडीडी वो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे रेवेनेंट के ऊपर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ट्रॉय व्हीकल बर्स्ट करेंगे, स्ट्राइकर मनी 14 से आरी स्पोर्ट्स के रॉकस्टार को डाउन करेंगे। ईस्ट ब्लैक वो यहाँ पे रॉकस्टार का कंफर्मेशन निकालने वाले आरी स्पोर्ट्स सर्कल के बाहर। उन्हें अंदाजा नहीं है कि पीछे आरी स्पोर्ट का प्लेयर ही बैठा है। सामने आपको नॉट सामने बट बगल में आपको गॉडलाइक भी दिखेगी। तो पूरे तरीके से हाइड्रा बंद चुकी है अब वहां पे। कितने ग्रेनेड फिनिशेस इस मैच में, कितने और ग्रेनेड फिनिशेस हमें देखने को मिलेंगे। हाइड्रा प्लेसमेंट पॉइंट पे फोकस कर जरूर है, बट उन्हें भी फिनिशेस चाहिए होंगे। जीरो फिनिशेस उनके पास है। यहाँ इलिमिनेट हुए तो मात्र केवल चार प्लेसमेंट पॉइंट उनको मिलने वाले। कोशिश करना पड़ेगा फिनिशेस जाते जाते निकाले जरूर, बट जादू उनके पीछे मौजूद रहेंगे। जादू हील बैटल कर जरूर है, बट एनिग्मा की बात करें सामने मौजूद रहेंगे। शैडो मैक्सी के द्वारा डाउन किया गया। जॉनसन सात फिनिशेस के साथ 10 करने की कोशिश जरूर रहेगी। शैडो डाउन है, लास्ट प्लेयर ट्रॉय अपनी टीम से सर्वाइव करते हैं। एक बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ क्लच गॉड का, वीर को डाउन किया गया। लास्ट प्लेयर इस वक्त ईवो सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से। जॉनसन एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं, मैक्सी को डाउन किया गया। जॉनसन एक और प्लेयर इस ब्लैक डाउन किया गया। कैरी सामने मौजूद है, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, बट नॉक नहीं निकाल पाएंगे। ट्रॉय खत्म, पास्ते में 11 प्लेयर इस पूरे लॉबी में। व्हाट इज दिस गाय, जिस तरीके से स्प्रेज जा रही है, पूरी की पूरी टीम की ग्रेनेड्स हो गई, स्प्रेज हो गई हर एक चीज। बट अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि क्लच गॉड को डाउन किया जाएगा ओपन में। एंड अब स्ट्राइकर वो कनेक्शन हुए, लेकिन सही टाइम पे एक अच्छा कवर जॉनसन की तरफ से आएगा। क्लच गॉड को यहाँ पे बचाने के लिए स्ट्राइकर को हल्का सा यहाँ पे बैकफुट पे धकेला जाएगा, लेकिन आई डोंट थिंक क्लच गॉड बचेंगे। दो ही प्लेयर्स बचे टीम का, लेकिन जस्ट लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशेस। मेजी 16 फिनिशेस ऑलरेडी। जी गॉड एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। दिस कुड बी द मैच, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है, बट हैदराबाद राइडर्स को पूरे तरीके से टीम को एलिमिनेट कर सकते हैं। पीछे बैठे एनिग्मा के एक प्लेयर के जी गॉड के ऊपर कैरी ग्रेनेड आएगी, उसको भी डाउन कर दिया जाएगा। अब जॉनसन इज द ओनली गाय स्टैंडिंग फॉर द टीम, ये आखिरी उम्मीद रहने वाले। क्या बाहर निकलेंगे, क्या स्प्रेस देंगे, एक बड़ा सवाल, क्योंकि अभी के लिए सर्कल इनके पास है। सर्कल निकलना जरूर पड़ेगा, बट अब एनिग्मा के जो प्लेयर आखिरी बचे हुए ईवो, उनको देखे वो बस घात लगा के बैठे हुए। जैसे ही प्लेयर निकलेंगे, स्ट्राइकर सारे प्लेयर निकलेंगे, व्हीकल में बैठ चुके हैं। क्या वो निकलेंगे? ईवो कितने फर्स्टेड है, 7 फर्स्टेड लेके बैठे हुए उनके पास। ग्रेनेड्स कितने वो जरूर देखना पड़ेगा, बट क्या जीगॉड को रिवाइव कर सकते हैं? इस ब्लैक आने की कोशिश कर रहे थे, गलती करी जीगॉड, मॉस्पल भी यहां पे रिवाइव कर दिए जाएंगे। बट सामने कैरी मौजूद रहेंगे, जॉनसन एक और प्लेयर को डाउन करते हुए जीगॉड उनको रिवाइव किया जाएगा। सोरो सामने मौजूद है, स्पॉट किया गया जॉनसन के द्वारा। जॉनसन 9 फिनिशेस के साथ जोरो खत्म। हैदराबाद मुश्किलों में बहुत ज्यादा, बस स्ट्राइकर मैक्सी लास्ट दो प्लेयर सरवाइव करेंगे हैदराबाद से। जॉनसन पूरी तरीके से फोकस, बट आप देखें 9 फिनिशेस, जी गॉड रिवाइव हो चुके हैं। बट अब 1v2 का सिचुएशन होता हुआ, खैर 2v2 का यहां पे सिचुएशन होता हुआ, मैक्सी वर्सेस जॉनसन 1v1 का सिचुएशन। डैमेज बहुत ज्यादा, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सरदार जी।